दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी में ब्राउज़र ओपन करना है, और बेस्ट होगा कि आप गूगल क्रोम करें या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल में ब्राउज़र ओपन कीजिए और डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जीमेल लिख के सर्च करना है, सबसे पहले वाले पर क्लिक कर दीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने क्या इंटरफेस आता है। देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें नहीं आना है आपको, नीचे आना है, खाता बनाए हिंदी है, इंग्लिश होगा तो क्रिएट अकाउंट होगा लिखा हुआ। अब यहाँ पे मेरे लिए जो है ये इंग्लिश में माई सेल्फ होगा लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। बच्चे के लिए बनाना है तो मेरे बच्चे के लिए, और नीचे मेरे कारोबार है वो बिजनेस के लिए है। तो बच्चों के लिए जो बनता है उसमें 18 साल से कम वाले का होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जो बनाएंगे तो उस आईडी से आप सॉरी यूट्यूब आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यूट्यूब की परमिशन नहीं होती है। तो चलिए अब यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, जो भी नाम आपको डालना है, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस में भी नाम डालिए, और अलग से सर्च कीजिए कहीं पे भी क्लिक करके कि ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर नहीं दिखाता है तो नाम थोड़ा चेंज करके देख लीजिए, इसमें आपको लिखना है और साइड में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा ईमेल एड्रेस बन जाता है। और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, पासवर्ड क्या डालना है वो समझिए। पासवर्ड में आपको अल्फ़ाबेट डालना है, और उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है, जैसे एट द रेट है, परसेंट है, ये सब डालना है, अंडर स्कोर। उसके बाद आपको कुछ ईयर डाल नंबरिंग डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में नेक्स्ट पे होगा, और आप देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है। बिना नंबर मोबाइल नंबर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वैकल्पिक का जो ऑप्शन है, इसमें आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ये बैकअप के लिए होता है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है आपको, अगर ये नहीं डालेंगे तो मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा, बिना मोबाइल नंबर के ईमेल आईडी चाहिए, नहीं तो आईडी बंद हो जाएगी कभी भी। आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ पे अपना सेक्स जो है मेल फीमेल सिलेक्ट कीजिए, आगे पे क्लिक कीजिए, और ये आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है। एक्सक्रॉल करके नीचे आइए, मैं सहमत हूँ, इंग्लिश में आइए, अग्री होगा, क्लिक कीजिए। अब देखिए आपकी आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक बार अपना जीमेल में कुछ सेटिंग करना होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा जीमेल लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 4, चारों पे आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक बार, देखिए इधर साइड में आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर वगैरह जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, काट देते हैं। देखिए यहाँ पे टिक हो चुका है, सेकेंड वाले पे भी करना है, थर्ड पे भी करना है, और ये फोर्थ है, फोर्थ पे भी आप कर सकते हैं, बस यही आपको करना होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए। देखिए अभी ये काट दीजिए, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको इनबॉक्स पे हैं तो रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास एक मैसेज आएगा जीमेल की तरफ से क्रिएट अकाउंट का, तो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम रिफ्रेश करेंगे एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा, वेलकम मैसेज होता है। वो आने का मतलब ये होता है कि आपका जो जीमेल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, वही मैसेज आएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है रिफ्रेश करने के बाद, देखिए यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है, नमस्ते, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। तो देखा आपने कैसे मैंने बिना मोबाइल नंबर के आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना सिखा दिया है। आप इस तरीके से एक नहीं 100 जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि मोबाइल नंबर से बचना है तो आपको बैकअप के लिए एक जीमेल आईडी डालना पड़ेगा, ताकि कभी भी ये मोबाइल नंबर मांगे तो आप जीमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं बैकअप के लिए, वरना मोबाइल नंबर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आईडी कभी भी बंद हो सकती है।